अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है हैदर जामा मस्जिद कामटी के पेशवा मौलाना एहसान नवाब साहब, जिन्होंने अभी बस वीआर करबला देखा है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने ख्याल, उसको देखने के बाद अपने ख्याल इजहार करें। वाकया करबला इस सूरत जिसे कहा जाए वीडियो की सूरत में, ये बहुत ही जिसे कहा जाए कि वाकया करबला को दिल में उतारने वाली चीज़ें, इंसान मसाइब आले मोहम्मद सुनता तो है, बात को सुनने के बाद भी गमज़ादा होते हैं, बात के आंसू नहीं निकलता, लेकिन वो इस तरीके से बनाया गया है कि चाहे पत्थर दिल भी इंसान हुआ तो वो कहीं ना कहीं उसकी आँखों से अश्क जारी है। और मकसद भी है कि अगर इमाम हुसैन के गम में एक आंसू भी निकल जाए तो शायद वो हमारी वापस का सामान हो सके। और ये जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, जिन लोगों ने, उनका तहे दिल से गुजार हो। और ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान किताबों में हर आदमी पढ़ नहीं सकता, हर आदमी बात सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो की सूरत में इंसान के जहन में भी महफूज रहेगा। और वो वाक़ात और वो मसाइल के जो मुतअद्दिद उलमा और खुतबा से इंसान सुनता रहता है, उसको इस सूरत में देखना, ये बहरहाल बहुत ही है। और हर इंसान महसूस करे इस चीज़ को। लेकिन जो भी एक पैगाम ये भी जो हमारे मोमिनीन यहाँ देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि उस मनाजिर को देखें और अपने जहन और तसव्वुरात को करबला की तरफ लेकर जाएँ कि किस तरीके से इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को रुख्सत किया और इमाम हुसैन की शहादत को वाकया और मसाइल कि जिसे वीडियो की सूरत में दिखाया गया है, उसका एहसास करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजमूनी पर आंसू बहाएं और उनकी प्यास को याद कर उन पर आंसू बहाएं। और ये चीज़ें वो हैं कि जो आज़ादारी के फ़रोग में मददगार साबित होगी। और हम उम्मीद यही करते हैं कि मोमिनीन जितने से ज़्यादा हो इस चीज़ को देखें, और वो हजरात के जो दिल के कमज़ोर हैं वो ज़रा सा इन चीज़ों से परहेज करें। बाखर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हैदरी मस्जिद में पीआर प्रोग्राम हो, उसने नौजवानों ने हुसैनाबाद पेश किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। उसको देखना, उसको समझना, इमाम हुसैन के मकसद को किस तरह रुखसती करते हैं, किस तरह निकलते हैं, किस तरह जंग होती है, किस तरह लाशें भी छीन लेती है, ये सब चीज़ें एक मालूम के तौर पर एक देखें कि आँखों का एकदम सामने ऐसा लगता है कि करबला की आवाज़ का हमारे सामने। जैसा कि यहाँ पर वीआर का प्रोग्राम चल रहा है, वीआर करबला, उसको देखने से ऐसा एहसास हो रहा है कि वाकई जैसे हम मैदान करबला में मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो वाकयात हुए वहाँ पर, रुनुमा हुए, जैसे जनाब अली अकबर इस्लाम को कत्ल किया गया, शहाद उनको शहीद किया गया, तो ये मंदिर देखकर हमारे जज्बात काबू में नहीं हो पाए। और नहर फरात वगैरह को भी बताया गया, इसमें नहर फरात के बारे में भी, तो ऐसे मनाजिर देखकर यकीनन दिल भर आ रहा है। और जो है ये वीडियो देखकर इंसान को करबला की याद आती है कि वाकई वहाँ पर आशूर के दिन कैसे, मतलब लोगों ने शहादत दी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घर को कैसा कुर्बान किया, ये इस वीडियो से इस बात का एहसास हुआ। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो कमज़ोर दिल के हैं वो ना देखें, और बाकी जो हमारे जो जवान हैं इसको देखें, ताकि हमारे एहसास पैदा हो कि वाकई मुहर्रम है क्या, आशूरे के दिन हुआ क्या। जो मंजर दिखाई जा रही है करबला मामला की, ये मंजर कैसी जो है बहुत बेहतरीन है,
ये वाक़ जो है तमाम मोमिन को देखना चाहिए, जो हार्ट के मरीज हैं उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तमाम मोमिन से बहुत बहुत शुक्रिया। वीआर करबला के जो हमने लाइव देखा है बहुत ही अच्छा है और महसूस करने लायक है। अपने आप में तसव्वुर करना चाहिए कि वाकया हुआ है, अपने दिलों में बिल्कुल दर्द आना चाहिए और सुकून से देखना चाहिए। की सारी टीम का बहुत बहुत सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ऑर्गेनाइज़ किया। रही बात वी आर करबला की, राइट, सो हम बचपन से जो मसायब सुनते आ रहे हैं, राइट, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल रियलिटी हम आज उसको फील कर सकते हैं, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है जिसके थ्रू, मीन्स वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम एक जो मसायब हुए हैं, करबला के वाक़ात हुए हैं, उसको अपने फील कर सकते हैं और इट सीम्स लाइक कि हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं। बाकी एक बहुत ही अच्छा काम है। थैंक यू।